मॉर्निंग बेटा, हम लोगों ने पहले पढ़ा था बॉटनी के दो चैप्टर, एक चैप्टर पढ़ा था हमने रिप्रोक्स इन द ऑर्गेनिज्म, दूसरा हमने पढ़ा था रिप्रोक्स इन द फ्लावरिंग प्लांट। हमने जूलॉजी शुरू कर दी थी पर हम जूलॉजी को वहीं रोक रहे हैं जहां हमने आपको पढ़ाया था। हम बॉटनी में वापस से शुरुआत कर रहे हैं और हम बॉटनी का अगला चैप्टर शुरू करें। चैप्टर का नाम बेटा जी यहाँ पे जेनेटिक्स। मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, जब आप वापस आओगे तो ये मत सोचना कि इन टॉपिक को दोबारा पढ़ाया जाएगा आपको। यहाँ पे हम टॉपिक कंटिन्यू रखेंगे, जहाँ पे हम वीडियो में खत्म करेंगे उसके आगे की बातें कंटिन्यू। तो आप इस वीडियो लेक्चर को प्लीज थोड़ा सा सिंसियरिटी से देखना और इनको अपने नोट्स मेकिंग में रखना। वीडियो को बार बार पॉज करके अपने इनको नोट डाउन कर लेना और इनके नोट्स बनाना। जो यूनिट मैं शुरू करने जा रहा हूँ इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, बोर्ड के अंदर ये 18 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो आपको इसको बड़ा सिंसियरिटी से लेना है। कहीं इसको मजाक के फॉर्म में लेके चलोगे ठीक है वीडियो है देखा नहीं देखा, तो इस तरह की बातें मत सोचना। थोड़ा सिंसियरिटी से रखना इस चैप्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके चैप्टर के भी आगे बायोटेक आएगा जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे तो हम शुरुआत करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स का एक नहीं, जेनेटिक्स के दो चैप्टर आएंगे। पहले चैप्टर में बातें करेंगे प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस की, अगले चैप्टर में बातें करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस की। आप नॉर्मली हम क्वेश्चन की बातें करते हैं, हमने रिप्रोडक्शन में एक वर्ड पढ़ा कि जब एलिफेंट के बच्चा पैदा होता तो एलिफेंट के जैसा दिखता है। हमने वर्ड यूज किया सिमिलर, कि जो भी बच्चा पैदा हो तो सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होता है। अब वर्ड आता है कि वो सिमिलर क्यों है। अब अगले क्वेश्चन पे आए, हम यहां सोचे सिमिलर है क्या वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल भी है। एक एलिफेंट के बच्चा एलिफेंट के जैसा है बट वो बिल्कुल उसका आइडेंटिकल नहीं है, वो सिमिलर है। तो हम दो वर्ड की बातें करते हैं। जब एक स्पर्म और ओव फ्यूज होते हैं और वो स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा जी जायगोट, इसका मतलब ये जायगोट जो है वो आने वाले बच्चे की पूरी चीजों को कंट्रोल किए बैठा। इसी के पास वो इंफॉर्मेशन है कि आगे आने वाला बच्चा कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो वो चीजें होती कैसे, कैसे यहां मैकेनिज्म लगता है कि कैसे चीजें पेरेंट्स से उनके ऑप्शन में ट्रांसफर होंगी, वो सब कुछ हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। हम ये भी पढ़ेंगे साथ में यहाँ पे कि वो बच्चा जो है वो आइडेंटिकल नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसके पीछे हम लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो हम शुरुआत करते हैं आपके टॉपिक के। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड मैं लिखूंगा यहाँ पे आपका जेनेटिक्स। इस वर्ड का मतलब क्या है बेटा जी, आपने 10th क्लास में मेनली पढ़ा होगा, वहां पे एक छोटा सा टॉपिक आया था जेनेटिक्स का, तो हम उसी की दोबारा शुरुआत करते हैं। जेनेटिक्स जो है बेटा जी ये दो चीजों के बारे में बातें करता है। पहली जो चीज के बारे में बातें करेगा वो होगी हेरिडिटी, और दूसरी चीज के बारे में जो बात करेगा बेटा जी वो होगा यहाँ पे वेरिएशन। अब ये क्या होता है, तो मैं कहूंगा हेरिडिटी क्या होता है बेटा जी, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मैंने बोला ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। अब वेरिएशन क्या है, जो भी बच्चा पैदा हो तो कुछ डिग्री में वेरी करता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अगर मैं ये कह रहा हूं कि पेरेंट्स का ही जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफर हो रहा है तो उसे आइडेंटिकल होना चाहिए था, पर वो आइडेंटिकल नहीं है, वो उसके जैसा है बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। तो मैं कहूंगा जितना वो उससे डिफर करता है वो डिफर करना क्या कहलाएगा, यहाँ पे आपका वेरिएशन कहलाएगा। तो मैं डेफिनेशन दोबारा दोहराता हूं आपके लिए, हेरिडिटी क्या है बेटा यहाँ पे, द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। फिर वेरिएशन क्या है यहाँ पे आपका, तो आपने ये कहा यहाँ पे द डिग्री ऑफ द डिफरेंस अमंग द प्रोजेनी एंड देयर पेरेंट्स, और मैं ये कह सकता हूं अमंग द प्रोजेनी ऑफ द सेम पेरेंट्स। एक प्रोजेनी के डिफरेंट जो चार बच्चे पैदा होते चारों सेम नहीं है। दोबारा वर्ड को सुनना, एक कपल के चार बच्चे पैदा होते हैं क्या वो चारों दिखने में सेम है, वो चारों डिफर करते हैं, तो उनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या कहलाएगा यहाँ पे आपका वेरिएशन। तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर और ये हो गया डिग्री ऑफ द डिफरेंस। तो मैं कहूंगा जेनेटिक्स क्या है फिर यहाँ पे आपका, तो आपको जेनेटिक्स क्या है यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी द डील्स विद द हेरिडिटी एंड द वेरिएशन। उस ब्रांच का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे, जेनेटिक्स। एक वर्ड और आता है यहाँ पे सिमिलर सा बेटा जी, और वर्ड आता है आपका यहाँ पे इनहेरिटेंस। मैंने यहां पे बोला ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर, मैं यहां बोलूंगा द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर इज नोन एज इनहेरिटेंस। ये बातें करता है बेटा जी आपके लिए प्रोसेस के बारे में, किस प्रोसेस से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाएगा इनहेरिटेंस, और ट्रांसफर होना क्या कहलाएगा यहां पे हेरिडिटी। आई थिंक ये वर्ड आपके क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे। तो जेनेटिक्स क्या है बेटा जी यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड द वेरिएशन। हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या कुछ यहाँ पे लगने वाला है। अब इसके लिए हम कुछ टर्मोलॉजी को शुरू करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या टर्म यहाँ पे यूज होंगे, हम उन टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है यहाँ पे, आप लोगों ने पढ़ा है बेटा जी कि हमारे सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है वो कौन होता है बेटा जी, हमारा यहाँ पे डीएनए होता है।
डीएनए जब अपने आप को कंडेंस करता है तो ये कंडेंस होके क्या बन जाता है बेटा जी आपका यहाँ पे क्रोमोसोम। तो आप ये कहते हो डीएनए के हाईली कंडेंस फॉर्म जो प्रोटीन के हेल्प पे कंडेंस करके बना यहाँ पे वो स्ट्रक्चर क्या बना क्रोमोसोम। आप कहते हो डीएनए के पास इसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन है तो मैं कहूंगा उसी के पास जीन है। डीएनए के छोटा सा सेगमेंट जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है करेक्टर को कंट्रोल करने की वो छोटी सेगमेंट क्या कहलाएगी यहाँ पे आपकी जीन कहलाएगी। जरा वर्ड को अच्छे समझते हैं। आपने कहा सर ये हमारा डीएनए है जिसकी लेंथ कितनी यहाँ पे 2.2 मीटर। कितनी लेंथ उसकी यहाँ पे 2.2 मीटर। आपने कहा उसका एक छोटा सा हिस्सा जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि वो मेरे आई के कलर को कंट्रोल करता है। तो मैंने कहा भाई ये जो छोटी सेगमेंट है उस सेगमेंट को मैं वर्ड बोलूंगा यहाँ पे जीन। द स्मॉल सेगमेंट ऑफ ए डीएनए दैट हैव द इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज नोन एज जीन। डीएनए के पास हमारे 25,000 से लेकर 30,000 जीन है और मैं कहूंगा डीएनए का वो छोटा सा पार्ट जिसके पास इंफॉर्मेशन है मेरे आई के कलर को कंट्रोल करने की वो छोटी सेगमेंट क्या है बेटा यहाँ पे आपका जीन कहलाएगी। तो आपने कहा जो यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस है जो एक्चुअली चीज आके ट्रांसफर होती है और करेक्टर को कंट्रोल करती है वो कोई और नहीं वो कौन है बेटा जी आपके लिए यहाँ पे जीन है। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है बेटा जी यहाँ पे जीन है। ये कोई डीएनए की छोटी सी सेगमेंट है जो करेक्टर को कंट्रोल करती है। हम इसको क्रोमोसोम के फॉर्म में समझते हैं यहाँ पे जरा। क्रोमोसोम जब कंडेंस होता है तो आप ये कहते हो सर अब ये मान लेते हैं उस पोजीशन ऑफ द जीन है जहां पे वो जीन प्रेजेंट है। तो मैं अब एक वर्ड यहां पे यूज करूंगा बेटा जी लोकस। वर्ड क्या बोला हमने यहां पे लोकस। अब लोकस क्या है द लोकेशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर जहां वो जीन प्रेजेंट है वो उसका क्या है बेटा जी लोकस है। लोकस वर्ड समझ में आ गया। तो अब आपने कहा सर हम तो यहाँ पे डिप्लॉइड हैं। इसका मतलब क्या है एक क्रोमोसोम तो कहां से आता है मम्मी से तो एक कहां से आता है बेटा जी पापा से। तो आपने कहा सर हमारे पास तो पेयर प्रेजेंट है। आपने एक वर्ड अच्छे सुना है मेरे भाई यहाँ पे हमने वर्ड बताया बेटा जी आपको प्लॉइड। प्लॉइड वर्ड का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइड वर्ड का क्या मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। आपके आगे वर्ड लगा दे बेटा जी डाई। डाई बोले तो दो हमारे पास एक नहीं दो सेट होते हैं। एक सेट आता है फ्रॉम द मदर एक सेट आता है फ्रॉम द फादर। तो हम कैसे हैं बेटा जी यहाँ पे डिप्लॉइड। अब जरा वर्ड को समझना इस लोकस के पास इंफॉर्मेशन है मेरी आई को कंट्रोल करने की और ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है बेटा जी ये कहलाएगा यहाँ पे आपका होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मैं कहूँ इसके पास भी वो लोकस होगा जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी मेरे आई के कलर को कंट्रोल करने की। तो अब मैं एक वर्ड लेके आता हूं बेटा जी यहाँ पे आपका अली द पेयर ऑफ जीन। द पेयर ऑफ जीन दैट प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। आपने कहा जीन की जो पोजीशन है वो कहलाएगी लोकस। जीन का है एक वो छोटे सेगमेंट जिसके पास इंफॉर्मेशन है एक करेक्टर को कंट्रोल करने की। आपने कहा अगर ये इंफॉर्मेशन यहां है तो ये यहां भी तो होगी। इसका मतलब एट द सेम लोकस एक नहीं एक पेयर ऑफ जीन बैठा हुआ है। तो मैं कहूंगी ये जो पेयर ऑफ जीन दैट इज प्रेजेंट एट द सेम लोकस प्रेजेंट एट द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम इस पेयर ऑफ जीन को मैं कहूंगा इट इज नोन एज अलील। तो मैंने तीन बात आपको बताई यहां पे जीन क्या होता है यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस होती है और एक छोटी सी डीएनए के सेगमेंट का नाम है यहां पे जिसके पास एक इंफॉर्मेशन है। फिर आपने कहा सर उसकी जो लोकेशन होगी क्रोमोसोम पे वो क्या कहलाएगी लोकस कहलाएगी। एक क्रोमोसोम आता है पापा से एक आता है मम्मी से हमको पेयर क्या है बेटा जब होमोलोगस क्रोमोसोम है। आपने कहा उसके सेम लोकस के ऊपर जो पेयर ऑफ जीन बैठा है वो क्या है बेटा जी यहां पे आपका अलील कहलाएगा। यहां तक ये बात समझ में आई आपको यहां पे। अब हम एक और बातें करते हैं यहां पे वर्ड यहां पे यूज हो गया बेटा जी होमोजाइगस। इस वर्ड को समझो जरा यहां पे होमो वर्ड का मतलब क्या है बेटा जी यहां पे से। अब जरा इस वर्ड को समझिएगा अगर जब जायगोट बनता है जब जायगोट बनता उस टाइम पर जायगोट में आप हमेशा कहते हो सर एक पेयर ऑफ जीन बैठा है क्योंकि जायगोट बनने के लिए एक स्पर्म आया मदर स्पर्म आया फादर से और ओम आया कहां से मदर से दोनों फ्यूज होते हैं स्ट्रक्चर बनता है बेटा जायगोट। तो जायगोट के पास एक नहीं दो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है एक फ्रॉम द फादर एक फ्रॉम द मदर। तो वैसे मैं कहूंगा ऐसे भैया जी आपने कह दिया कि हमारा डिप्लॉयड भैया जी जायगोट बनकर तैयार हो गए। अब इस पे जो लोकस है उस लोकस के ऊपर अगर सेम टाइप ऑफ जीन बैठा है इसका मतलब यहां पे उस जीन की फॉर्म सेम है मतलब मेरी हाइट को कंट्रोल करने वाला कैपिटल टी है और यहां भी कैपिटल टी है। तो मैं कहूंगा ऐसी जो कंडीशन होगी वो क्या कहलाएगी यहां पे होमोजाइगस। होमो बोले तो सेम
जायगोट जब बना उस टाइम पे अगर उसके अंदर यहाँ पे सेम फॉर्म ऑफ द जीन प्रेजेंट है तो मैं कहूंगा ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी यहाँ पे होमोजाइगस। आपने अगला वर्ड यूज कर लिया बेटा जी यहाँ पे हिट्रोजाइगस। हिट्रो बोले तो डिफरेंट, हिट्रो बोले तो डिफरेंट। आपने कहा नहीं सर सेम नहीं है, एक जीन तो डोमिनेंट है और एक क्या है बेटा जी यहाँ पे रिसेसिव। मैं कहूँ एक ही जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स बैठी हुई यहाँ पे, डिफरेंट फॉर्म बैठी हुई है एट द सेम लोकस, मैं कहूंगा वो जो कंडीशन होगी वो क्या कहलाएगी यहाँ पे हिट्रोजाइगस। कि सर यहाँ पे दोनों पे कैपिटल टी नहीं है, एक पे कैपिटल टी तो एक पे स्मॉल टी, मैं कहूंगा ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगा हिट्रोजाइगस। हो गई बात यहाँ पे। अब एक वर्ड आता है डोमिनेंट, आपने बहुत सुना है यहाँ पे वर्ड आपने डोमिनेंट जीन या मैं कहूंगा रिसेसिव जीन। अब उन वर्ड को जरा समझ के देखते हैं। आपने कहा सर एक पेरेंट है जो टॉल है, आपने कहा सर इसकी क्रॉसिंग करा दी हमने दूसरे टोली से, तो आपने कहा सर उस कंडीशन में टॉल बच्चा पैदा होता है। अब हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि ये प्लांट आपका यहाँ पे हिट्रोजाइगस कंडीशन का है, इसमें दो अलग अलग कंडीशन, आप इसकी क्रॉसिंग करते हैं, ये कहते हो सर यहाँ अगर यहाँ से ये गया यहाँ से ये गया तो ऐसा पैदा हो सकता है, यहाँ से ये गया यहाँ से ये गया तो कंडीशन ऐसी होगी। अब होने को यहाँ कंडीशन कैसी बेटा हिट्रोजाइगस है, यहाँ कंडीशन कैसी होमोजाइगस है, बट दोनों कंडीशन में जो प्लांट है वो तो टॉल है ना, इसका मतलब ये वाला जो जीन है वो कैपेबल है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इन द होमोजाइगस एज वेल एज इन द हिट्रोजाइगस फॉर्म में। ऐसे में जीन को कहूंगा वो जीन कैसा है बेटा जी आपका यहाँ पे डोमिनेंट जीन है। मैंने कहा दोबारा से एनी जीन दैट इज कैपेबल टू एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस एज वेल एज इन द हिट्रोजाइगस कंडीशन उस जीन को हम कहेंगे वो कैसा जीन है बेटा जी यहाँ पे डोमिनेंट जीन है। और जो जीन कभी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है हिट्रोजाइगस कंडीशन में मैं कहूंगा ये स्मॉल टी जो बच्चा ये क्या कहलाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे रिसेसिव जीन। ये क्या कहलाएगा यहाँ पे रिसेसिव जीन। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, ए जीन दैट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रोजेनी इन द हिट्रोजाइगस फॉर्म वो वाला जीन क्या कहलाएगा यहाँ पे रिसेसिव जीन। तो डेफिनेशन सुनना दोबारा से, डोमिनेंट जीन द जीन दैट इज एबल टू एक्सप्रेस इन द होमोजाइगस एज वेल एज इन द heterozygous condition in the F1 generation is known as dominant gene and the gene that is not able to express itself in the heterozygous condition is known as recessive gene। हो गई ये बातें यहाँ पे। अब हम शुरुआत करते हैं टॉपिक के आपके लिए यहाँ पे, ये तो हमने सब आपकी शुरुआत वाली बातें की हैं। अब बातें करते हैं जॉर्ज मेंडल ने जब काम करना शुरू किया, आपने वर्ड सुना होगा दसवीं क्लास में यहाँ पे द फादर ऑफ द जेनेटिक्स जो था वो कौन था बेटा जी यहाँ पे मेंडल। उस मेंडल ने जब काम करना शुरू किया तो उसने काम के लिए बेटा जब प्लांट सिलेक्ट किया उस प्लांट का नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे पी, स्वीट पी, गार्डन पी, नॉट स्वीट पी, गार्डन पी हम बोले, गार्डन पी पे उसने काम किया। तो मेंडल ने जब पी को सिलेक्ट किया तो उसने सबसे पहले कुछ करेक्टर को चूज किया होगा कि व्हाई द मेंडल सिलेक्ट ओनली द पी प्लांट, उसने किसी और को सिलेक्ट क्यों नहीं किया। तो हम पहले कुछ बातें करते हैं पी प्लांट के बारे में। पहला वर्ड पी प्लांट के बारे में, इसकी जो लाइफ होती है बेटा जो बहुत ही शॉर्ट होती है, इसकी लाइफ जो वो क्या शॉर्ट। अब जरा सोच के देखो, उसने अगर किसी ह्यूमन पे काम किया होता, उसकी 20 साल में शादी होती, फिर बच्चा आता, फिर उसकी शादी होती, फिर ऐसे होता, तो उसको एक मैक्सिमम अपनी पूरी लाइफ में 4 से 5 जनरेशन पढ़ पाता है यहाँ पे। बट इसकी लाइफ का यहाँ पे कैसे शॉर्ट है, तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में इसकी काफी जनरेशन को पढ़ पाएगा यहाँ पे, तो ये उसके लिए कैसा होगा सही प्लांट होगा। तो उसने पहला प्लांट चूज किया पी, उसका रीजन क्या था यहाँ पे, बिकॉज उसकी जो लाइफ स्पैन है वो कैसे यहाँ पे उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है। अगला वर्ड आता है बेटा जी पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर अवेलेबल है। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर अवेलेबल, अब इस वर्ड का क्या मतलब है, एक प्लांट बड़ा तो एक प्लांट छोटा, सीड राउंड तो सीड रिंकल्ड, ऐसी चीजों बिल्कुल अपोजिट टू द ईच अदर जिनको इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ऐसे करेक्टर उसमें अवेलेबल। अब अगर ह्यूमन की बात करें तो हाइट 5 है 5'11" है, 5'10" है 6 है, तो हाइट वहां पे वेरी तो करती है, बट हाइट करने का वेरी करने का रेट क्या बहुत ही स्मॉल है होता है जहां पे इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे हम, कहते हैं यहाँ पे चीजें इजीली ऑब्जर्व अपोजिट टू द ईच अदर है, तो हमने कहा उसमें करेक्टर कैसे है बेटा यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर अवेलेबल है यहाँ पे। तीसरी बात, हम इजीली बेटा जी हमें पी प्लांट में प्योर लाइन अवेलेबल हो जाती है, इजीली हमें वहां पे प्योर लाइन अवेलेबल हो जाती है। अब एक वर्ड आता है, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड प्योर लाइन, ये प्योर लाइन है क्या यहां, तो उस वर्ड को जरा समझते हैं। मैंने कहा कोई भी प्लांट है
सेल्फिंग अब सेल्फिंग वर्ड पढ़ चुके हैं प्लांट रिप्रोडक्शन में, सेल्फ पोलिनेशन को मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को, मैं ऑटोगेमी को क्या कह रहा हूं यहां पे, सेल्फिंग, मैं सेल्फ पोलिनेशन को क्या कह रहा हूं यहां पे, सेल्फ। तो मैंने बोला एक प्लांट दैट अंडरगो सेल्फिंग एंड प्रोड्यूस ए फिनोटाइप, इट अंडरगो सेल्फिंग अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज प्रोड्यूस ए स्टेबल फिनोटाइप, वो हमेशा एक स्टेबल फिनोटाइप को ही प्रोड्यूस करेगा, मैं कहूंगा ऐसा प्लांट क्या कहलाएगा, प्योर प्लांट। सोच के देखिएगा यहां पे, इस प्लांट का हमने सेल्फिंग की, बड़ा प्लांट पैदा हुआ, इसका हमने फिर सेल्फिंग की, फिर बड़ा पैदा हुआ, आपने फिर सेल्फिंग की, फिर बड़ा हुआ, कितना भी कर लो यहां पे हमेशा प्लांट बड़ा ही पैदा होगा, मैं कहूंगा ऐसा प्लांट क्या कहलाएगा, प्योर। इस कंडीशन को चेंज करते हैं, अगर यही प्लांट ऐसा होता, आप अगर इसकी सेल्फिंग करते तो यहाँ पे इस वाले जीन अगर दोनों आपके मिल जाते तो इन दैट कंडीशन प्लांट तो दोबारा पैदा हो जाता। क्या ये प्लांट हमेशा एक फिनोटाइप को पैदा करता? नहीं करता। तो मैं कहूंगा ये प्लांट प्योर नहीं है, प्योर वो होता है जो हमेशा एक ही फिनोटाइप को प्रोड्यूस करे, यानी कि हम बातें करते हैं होमोजेगस कंडीशन वाला प्लांट कैसा है यहाँ पे, प्योर होता है। तो हमें पी के अंदर इजिली अवेलेबल हो जाती है क्या यहाँ पे प्योर लाइन। छोटे वर्ड करते हैं यहाँ पे, आपने कहा उसके अंदर क्या है यहाँ पे शॉर्ट लाइफ स्पैन है उसका, आपने कहा उसमें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर अवेलेबल, आपने थर्ड बोला उसमें प्योर लाइन। चौथे में बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस पर जनरेशन, वो भी क्या हाईली बेटा जी यहाँ पे नंबर हाई होता। आप ये देखते एक भी प्लांट पैदा हुआ, उसमें मटर का लगा, उसमें एक मटर में बहुत सारे दाने होते, इसका मतलब एक ही प्लांट पे बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो मैंने कहा नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग वो जो पैदा हो रहे हैं वो भी कैसा है बेटा जी यहाँ पे, आपका नंबर बहुत ही हाई है। तो मैं कहूंगा लार्ज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस पर जनरेशन इज ए गुड करेक्टर, तो हमने उसको भी उसमें देखा मेरे भाई अवेलेबल है यहाँ पे। अब हम पांचवें वर्ड पे आते हैं बेटा जी, आपने प्लांट वाले केस में पढ़ा था वी कैन कंट्रोल द हाइब्रिडाइजेशन, उसके तीन स्टेप आपने पढ़े हैं बेटा। पहला स्टेप क्या था यहाँ पे इमस्कुलेशन, दूसरा स्टेप क्या था बैगिंग, थर्ड स्टेप क्या था हाइब्रिडाइजेशन। अब उस वर्ड को समझिएगा, जब मेंडल ने काम किया तो क्या किया, एक लिया बड़ा प्लांट एक लिया छोटा प्लांट, वो उन दोनों की क्रॉसिंग करवा रहा था, उन दोनों की क्रॉसिंग, इसका मतलब पूरे ब्रीडिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा था। अब अगर हम बेटा जी यहाँ पे उसके प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम डिजायरेबल हाइब्रिड को बना पाते क्या? नहीं बना पाते। तो हमने कहा इसकी ये भी एडवांटेज थी पास ही बेटा जी यहाँ पे, वी कैन कंट्रोल हाइब्रिडाइजेशन इजिली इन द केस ऑफ द पी प्लांट, हम उसमें इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कहूंगी पांच मेन पॉइंट समझिएगा, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला यहाँ पे शॉर्ट लाइफ स्पैन, दूसरे मैंने क्या बोला कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, आपने थर्ड क्या बोला प्योर लाइन इजिली अवेलेबल, चौथा क्या बोला आपने लार्ज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस पर जनरेशन, और पांचवा क्या बोला कॉन्ट्रास्ट वी कैन कंट्रोल द हाइब्रिडाइजेशन। इन पांच अच्छे करेक्टर की वजह से मेंडल जी ने सिलेक्ट कर लिया पी प्लांट को फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। ये बातें होती है यहाँ पे, इस लेक्चर में हम यहीं तक की बातें करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर बनाते हैं यहाँ पे जो हम इससे आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।